इस माला को रघुनंदन श्री राम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो, इसे ग्रहण करो। ये क्या कर रहे हैं? इतने दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि ये माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या, पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया होगा? ठीक कहा आप, मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। Thank you.
दिखा दिया हनुमान ने करके हृदय विधि राम सिया की युगल छवि अंतर में उत्कीर्ण भक्त हुआ उत्तीर्ण कपि के हृदय में सिया राम का दर्श कर आसन से उठ खड़ी हुई प्रजा सारी है। कहीं पे किसी ने कभी देखा नहीं इति पूर्व चमत्कार ये तो अचरजकारी है। हनुमान राम हनुमान को कंठ लगाए रहे सोच रहे इसकी भक्ति कैसी न्यारी है। धन्य धन्य हनुमान भक्त शिरोमणि जिसकी भक्ति पे भगवान बलिहारी है। तुम्हारी भक्ति पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। तुम्हारे समान भक्त ना इस सृष्टि पे आज तक जन्मा है और ना ही जन्मेगा। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो प्रभु।